Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. हरे कृष्णा, सभी को नमस्कार प्रणाम और सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस साधु संग ऑनलाइन सत्र में। और आज हम लोग देखेंगे दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय का श्लोक नंबर 4 देखने वाले हैं। नंबर तो पहले गुरुजनों का, आचार्यों का, भगवान का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग प्रार्थना करते हैं ताकि हम अच्छे से इसको समझ सकें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवा साधि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारिणे निपुणो षट धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्याकरो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमस्तालिको वंदे रूप सनातन रघुजुगो श्रीजीव गोपालको सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट मत्तः स्वीकृतिं अपोहनं च वेदिश्च सर्वैरामेव वेदो वेदान्तकृत वेद विदिवचाहम्। हरे कृष्णा। तिथिर्वैकुंठ विजयः पोषणं तदनुग्रहः मन्मन्तराणि षड्धर्मा पूतयः कर्मवासनाः। तिथिर्वैकुंठ विजयः पोषणं तदनुग्रहः मन्मन्तराणि षड् धर्मा पूतयः कर्म वासनाः। इसका अनुवाद और तात्पर्य देखते हैं हम लोग। शुभप्रभात शुभप्रभात। द राइट सिचुएशन फॉर द लिविंग एंटिटी इज टू ऑब्वे द लॉज ऑफ द लॉर्ड एंड दस बी इन परफेक्ट पीस ऑफ माइंड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। द मनुस एंड देयर लॉज आर मेंट टू गिव राइट direction in the life. The impetus for activity is the desire for fruitful work. एक बार हिंदी में इसका अनुवाद देख लेते हैं। जीवात्मा के लिए उचित तो यही है कि वह भगवान के नियमों का पालन करे और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संरक्षण में पूरी तरह से मानसिक शांति प्राप्त करे। सभी मनु तथा उनके नियम जीवन को सही दिशा प्रदान करने के लिए हैं। कार्य करने की प्रेरणा ही सकाम कर्म की आकांक्षा है। हरे कृष्णा। मुखम करोति वाचरम पंगु लंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। तो आज के श्लोक में हम लोग देख रहे हैं कि जैसे इसके पहले वाले श्लोक में देखा हमने, तीन श्लोक जो थे जो कल पंजेश्वरी ने लिए थे, उसमें श्रीमद् भागवतम के 10 विषय क्या हैं वो बताना शुरू किया। 10 विषय बताए वो देखा हम लोगों ने। और अब जो है आगे यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो जीवात्माएं हैं उनके लिए सही स्थिति यही है
कि वे भगवान के नियमों का पालन करें और शांति से भगवान के नियंत्रण में रहे, वो परम पुरुषोत्तम भगवान के संरक्षण में रहे। और फिर कहते हैं जितने भी मनु हैं तथा उनके जो नियम हैं वो जीवन को सही दिशा प्रदान करने के लिए है। और लास्ट में कहते हैं उत यह कर्म वासना है, यानी जो प्रेरणा है ये है, प्रेरणा कहाँ से आती है, सकाम कर्म की आकांक्षा से। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी एक जीव के लिए सही स्थिति क्या है वो बता रहे हैं। कोई सोच सकता है कि मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य बंगला बनाना है या सुंदर स्त्री पाना है या करोड़ों जो है धन अर्जन करना है मुझे करोड़ों रुपए, तो बहुत बहुत अलग अलग है। या उसके ऊपर थोड़ा सा जाते हैं तो फिर लोग बोलते हैं मुझे स्वर्ग जाना है और वहां पे मुझे सुख शांति से रहना है। तो ये जो है ये एक सही स्थिति जो है वो नहीं है। सही स्थिति क्या है कि हम लोग भगवान के संरक्षण में रहें और जो मनु के द्वारा दिए हुए जो षड धर्म है उनके जो नियम है उसका पालन करते हुए शांति से अपना जीवन यापन करें। और जो भी सॉरी प्रभु, किसी ने हाथ उठाए? प्रभु जी सॉरी, गलती से हो गया, सॉरी। ओके ओके ओके, आवाज तो क्लियर है ना मेरा? यस प्रभु जी एकदम क्लियर है। ओके ओके, तो मतलब यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये सही स्थिति है किसी भी जीव के लिए, तो उसको ये करना चाहिए। और जो इसमें बता रहे हैं कि उत यह कर्म वासना, जो जो प्रेरणा आती है, हम लोग देखते हैं कोई भी व्यक्ति अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसके पीछे कुछ उसका आशय है, उसका उसका वासना है कि मैं ये करूंगा तो ये मिलेगा, मैं ये करूंगा तो ये मिलेगा। और इसके लिए कोई भी अपना भौतिक कार्य ले लो, कोई भी कार्य ले लो, उसमें उसका एक कर्म फल की आशा है। जैसे अगर कोई बच्चा स्कूल जा रहा है तो क्यों जाता है? ताकि उसको अच्छे मार्क्स मिले। कोई व्यक्ति ऑफिस जाता है तो वो क्यों जाता है? ताकि वो सोचता है कि आखिर में मंथ एंड में मुझे सैलरी मिलेगी, मैं इससे अपना घर का पोषण करूँगा। कोई लड़का किसी लड़की को प्रसन्न करने का प्रयास करता है या लड़की लड़के को प्रसन्न करने उसको खुश करने का, तो उसके पीछे भी आशा है उनकी काम वासना। तो कोई भी जो है कर्म, उसके पीछे कर्म वासना ये एक प्रेरणा होता है। हम लोग कभी नहीं देखेंगे जीवन में कि किसी को कोई आशा नहीं और वो काम कर रहा है। ये सिर्फ भक्ति में हो सकता है, लेकिन भौतिक जीवन में इट इज इम्पॉसिबल। अगर कोई काम कुछ कर रहा है दैट मीन्स देर इज सम एक्सपेक्टेशन बिहाइंड दैट। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी यही कह रहे हैं कि उतया यानी जो प्रेरणा है वो क्या है, कर्म वासना। तो ये इसमें कहा गया है। और यहाँ पे एक बात जो है ये कही जा रही है कि मनु के द्वारा जितने भी नियम हैं वो हमारे फायदे के लिए है, हमको उसको पालन करना चाहिए। तो अगर हम लोग तात्पर्य में जाते, बहुत अच्छा जो तात्पर्य है, वेरी वेरी पावरफुल, प्रत्येक जो लाइन है इट्स वेरी वेरी हैवी, काफी लंबा है, तो आई एम जस्ट स्किपिंग दैट पार्ट। हम लोग उसका जो उसका सारांश क्या है वो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो जो प्रभुपाद जी तात्पर्य स्टार्ट करते हैं तो कहते हैं कि ये जो भौतिक जगत है मटेरियल यूनिवर्स, क्रिएट होता है, मेंटेन होता है और उसका डिस्ट्रक्शन होता है, और ये सारा जो है भगवान की इच्छा से होता है। और इसके हमने देखा इसे जो सारे इंग्रेडिएंट्स जो भी लगता है इसके लिए सामान वो भगवान देते हैं। और हमने देखा पहले वाले श्लोक में 16 एलिमेंट्स लगते हैं, तो वो जो 16 एलिमेंट्स क्या थे हम सबको अभी याद हो जाना चाहिए। 5 जो है पंच महाभूत, और 5 जो है ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस, 5 ज्ञानेंद्रियां, 15 हो गए और 1 मन। तो ये सारा चीज जो है, ये माल जो है पूरा ये ब्रह्मा जी को देते। जैसे हमेशा जो है प्रभुपाद जी
ब्रह्मा जी को इंजीनियर के मतलब नाम से पुकारते हैं, क्योंकि इंजीनियर का काम क्या है, उसको जो मिला है उसमें उसको काम करना है और उससे उसको बना, जैसे बिल्डिंग है तो वो जाके रेती का उपज नहीं करता या सब उसको रेडीमेड मिलता है, अब ठीक है इस सामान से उसको ये बनाना, तो वैसे ही ये सारा जो जो चीज सामग्री है ये ब्रह्मा जी को दिया जाता है, ब्रह्मा जी से इससे फिर जो है आगे सारा अपना, इसलिए हमारा जो जो डाउट है कि सृष्टिकर्ता कौन है, तो फर्स्ट जो है सबसे पहले सृष्टिकर्ता है भगवान विष्णु, प्राणोदक्षाय विष्णु। और हम लोग इसमें प्रभुपाद जी आगे कहते हैं दो लोग हैं इसमें, फर्स्ट इंकारनेशन एंड सेकंड इंकारनेशन भगवान के प्रभुपाद जी कहते हैं। तो फर्स्ट इंकारनेशन कौन है हम लोग जानते हैं, वो कारणोदक्षाय विष्णु जो महाविष्णु है, और उनके रोम छिद्र से सारे जो जगदंड निकलते हैं, और यही विष्णु जो है फिर अपना विस्तार करके गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में उसमें स्थित हो जाते हैं, और उनके नाभि कमल से जो है ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, और फिर ये सारा मटेरियल दे के सारा उनका जो ब्रह्मा जी को फिर लगा, इसलिए पहले जो सृष्टि करता है वो भगवान है, और जो सब क्रिएटर यानी जो उपसृष्टि है जो सेकेंडरी क्रिएशन है वो ब्रह्मा जी के द्वारा होती, ये इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं। और फिर इसमें प्रभुपाद जी और एक चीज कहते हैं इसमें कि फर्स्ट इंकारनेशन महाविष्णु, सेकंड इंकारनेशन गर्भोदक्षाय विष्णु, और थर्ड इंकारनेशन जो है शिरोदक्षाय विष्णु, वो परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के साथ में हमेशा रहते हैं। और फिर कहते हैं कि भगवान शिव जो है वो भी ब्रह्मा जी के कई पुत्रों में से एक है, और वो इस सृष्टि का संहार करने में लग जाते हैं, फिर बाद में जब सब टाइम हो जाता है वो टाइम के हिसाब से फिर वो, और हम लोग देखें हर कोई जो है अपना रोल बखूबी निभाता है, एकदम वेरी नाइसली दे आर डूइंग देयर जॉब, और ऐसा नहीं अपना मन से जो जब जब चाह किया, ऐसा नहीं शंकर जी का मन किया चलो मैं अभी सृष्टि का संहार कर देता हूँ तो मैं सब खत्म कर, नहीं, दे वेट फॉर द इंस्ट्रक्शन, उनको पता है कब करना है क्या है, इसके हिसाब से फिर वो करते हैं। और हम लोग भागवतम में देखें तो कहीं कहीं पे ऐसा भी है, मतलब जो नीचे जो शेषनाग है उनके मुख से ज्वाला निकलती है, और वो ज्वाला इतनी भयंकर होती है कि नीचे के लोगों से स्टार्ट होती है और उसको जलाते 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 फिर ऊपर तक आती है, पृथ्वी को फिर उसका संहार करती है, और फिर ये धीरे धीरे ऊपर स्वर्ग लोग को सब, और फिर जो ऊपर के लोग हैं जन लोग महार लोग वहां तक जब पहुंचती है तो वहाँ के जो वहाँ पे जो भी रहीवासी है वो अपना जो है ऊपर के लोक में ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, ऐसा कुछ इसमें भागवतम में आता है धीरे धीरे। तो और बाद में फिर जो है सारा अपना देह त्याग के ब्रह्मा जी के साथ में फिर वो महातत्व में लीन हो जाते हैं। तो और फिर सृष्टि की रचना होती है तब ये फिर से आते हैं। तो एनिहिलेशन हम लोग उसमें नहीं जाएंगे अभी संहार में, लेकिन क्रिएशन जो एक है हमारा पार्ट क्लियर हो गया, पालन तो हमको पता है भगवान विष्णु करते हैं, संहार दो जगत दो लोग करते हैं, एक शिवजी करते हैं और एक शेषनाग करते हैं, जो स्वयं भगवान शंकर स्वयं हैं वो करते हैं। शिवजी जो है आई थिंक जो उसमें जो छोटा जो प्रलय होता है वो उसमें सहभागी होते हैं, वो फिर अपना तांडव करके वो सारा जो है संहार करते हैं, लेकिन फाइनल जो डिसोल्यूशन होता है दैट इज जो है नीचे से स्टार्ट होता है जो अनंत शेष करते हैं। तो ये एनिहिलेशन का पार्ट हो गया। फिर इसके बाद में प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एक पॉइंट और एक कहते हैं, एज सच इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंडीशन सोल्स टू एक्नोलेज द विक्ट्री ऑफ द लॉर्ड, जो वैकुंठ विजय है यानी भगवान जय हो, भगवान के क्या बोलते हैं इसके उनके शरण को अपनाना है हमको, और उनको उनको स्वीकार करना है और उनके शरण में रहना है। तो ये प्रत्येक जीव का कर्म है, ये उसको ये करना चाहिए, उसकी ड्यूटी है, और उसको शुद्ध भक्त बनकर जो है शांति से इस लोक में रहना है। और प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा लाइन कहते हैं, ये जो भौतिक जगत है
where miseries and dangers are always in existence. तो इस भौतिक जगत में जहाँ पे हमेशा पदम पदम ये तो विपदाम न तेषाम, तो पग पग पर यहाँ पे खतरा है, तो ऐसी जगह पे भक्तों को शांति से रहना है. इज इट पॉसिबल? क्योंकि मतलब कभी कुछ सुनामी आ गया, या कभी कोरोना आ गया, कभी कुछ आ गया, लेकिन इफ यू सी अ रियल डिवोटी, जो सही भक्त है, उसको कभी चिंता नहीं होती. ही इज ऑलवेज पीसफुल. ऐसा नहीं कि जैसे कुछ आ गया तो अरे अरे ये भी प्रॉब्लम हो गया, अब क्या करें. जैसे कल हम लोग शाम को पढ़ रहे थे रात के सेशन में भागवतम में, प्रभुपाद जी जो वर्ल्ड वॉर वाला इंसिडेंस है सेकंड वर्ल्ड वॉर का, वो स्टार्ट होने वाला था, बिल्ड हो रहा था, और सारे भक्त जो थे वो परेशान हो रहे थे, प्रभुपाद जी अब क्या करेंगे, वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा, ये हो जाएगा, बम गिरेंगे, सब खत्म हो जाएगा. बट प्रभुपाद जी फिर उनको देंगे, उनको ये दे देते हैं, उनको आश्वासन देते हैं, डोंट वरी, भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होगा. वो भक्तों का हमेशा रक्षण करते हैं, उन्होंने वचन दिया है कि मैं भक्तों का रक्षण करता हूँ, सो डोंट नीड टू वरी. तो ये जब हमको पता होगा कि भगवान हमारा रक्षण करने वाले हैं, तो फिर भक्तों को भी चिंता नहीं होता. और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है प्रहलाद महाराज. प्रहलाद महाराज जैसा जीवन, इतना टॉर्चर वाला, इतना मतलब जो बोलते ना पदम पदम या तभी पदम, मतलब हमारा भी लाइफ तो मतलब बहुत अच्छे से चल रहा है, सब कभी 2-5 साल में ऐसा कभी कुछ कुछ बड़ा एक कुछ एक ऐसी घटना घट जाती है, हम लोग परेशान होते हैं फिर. बट मेजर पार्ट ऑफ लाइफ जो है हम लोग वी आर ट्रबल्ड, ऐसा नहीं हम लोग नहीं, लेकिन वी लिव ए गुड लाइफ. हम लोग ऐसा लगता है हम लोगों को, इट्स नॉट लाइक दैट. हम लोग 6 महीना साल भर अच्छा जीवन, फिर कुछ झटका लगता है, फिर हम लोग अच्छा. लेकिन प्रहलाद महाराज मतलब उनको जब तक उन्हें डिक्लेयर नहीं किया था वो भक्त है, तब तक उनको कोई परेशानी नहीं. जैसे उन्होंने बोला अपने पिताजी से कि भगवान विष्णु ही श्रेष्ठ है, तब से उनका प्रत्येक क्षण उनके जीवन में जो था, उन्होंने इतना उनको टॉर्चर किया उनको, लेकिन प्रहलाद महाराज कभी भी उससे विचलित नहीं हुए. जस्ट इमेजिन, हम लोग इतने बड़े हैं 40-50-60 साल के, बट स्टिल वी गेट वरीड, अरे अब क्या होगा, अरे अब क्या होगा, अब कैसे होगा. लेकिन प्रहलाद महाराज एक छोटा सा 5 साल का बच्चा, जस्ट इमेजिन मतलब उसका अंडरस्टैंडिंग कितना होगा मटेरियल लाइफ का, बट स्टिल ही इज नॉट बॉदर्ड एट ऑल. हम लोग इतने 50 साल के हो जाते हैं, फिर भी हम लोग इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी वी आर सो मच इंटेंशन, अब क्या करें, अब क्या करें, ये होगा वो होगा. बट वो 5 साल का बच्चा, उसको पता है अरे भगवान है, वो देख लेंगे. हमने कई बार उदाहरण देखा, पहाड़ से भी फेंका गया तो ऐसा नहीं मम्मी मम्मी बचाओ, नहीं, ही इज ऑलवेज मतलब भगवान का चिंतन में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस भगवान के चिंतन में लगे, कोई चिंता नहीं. तो ऐसा जो भक्त है, ऐसा चेतना वाला भक्त, वो पीसफुल रह सकता है. और हमको यही करना है, हम लोग को जो चेतना है उसको ऊपर उठाना है वैसे. और ऐसा जब करेंगे तो सही रूप से जो है हम लोग शांत, जैसे इस प्रपट में कहा गया है कि भक्त को शांत होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली दुनिया में कितना भी उथल पुथल हो जाए, भक्त को कोई उससे परेशानी नहीं होगी. He'll always be in a peaceful way. और फिर आगे कहते हैं अब ये तो हो गया भक्तों की बात, अब कंडीशन सोल्स के बारे में कहते हैं. कंडीशन्स जो बद्ध जीवात्मा है वो परेशान क्यों होती है, what is the reason, उसका आंसर भी देते हैं वो. क्योंकि they take this material world as a place for satisfaction of their senses. पहले उनको लगता है हाँ ये मैंने घर बना लिया, चलो अब इसको भोगना है, सुंदर स्त्री मिल गई मुझे इसको भोगना है, इतना करोड़ों रुपया जमा कर लिया इसको भोगना. तो दैट मेंटेलिटी जो है उसका कि मुझे भोगना है भोगना है भोगना, बिकॉज ऑफ दैट ही इज ऑलवेज इन डिस्ट्रेस, और वो हमेशा परेशान रहता है. रूपा जी कहते थे कंडीशन सोल्स टू टेक दिस मटेरियल क्रिएशन एज अ प्लेस फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज सेंसेस, ओके, एंड दस आर इल्यूजन. और ऐसे लोग जो है ये हमेशा मोहित रहते हैं, उनको लगता है कि ये करने से ये हो जाएगा, मतलब भगवान को साइड में रख देते हैं. और
अपना प्लानिंग शुरू कर देते हैं, अरे मुझे ऐसा करूंगा तो ये हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो ये हो जाएगा, और इसके कारण जो है जो बहिरंग शक्ति फिर उसको अपने कंट्रोल में लेती है। अच्छा ठीक है, भगवान के पास, ये भगवान की शरण में नहीं है, हम बोलते हैं ना, प्रभुपाद जी बोलते हैं, या तो मनुष्य प्रकाश में रह सकता है जैसी लाइट वो अंधकार में, या बीच में कोई ऐसा नहीं कि आधा लाइट है आधा अंधकार, नहीं, इस ब्लैक एंड व्हाइट सीधा, या तो प्रकाश में है या अंधकार में, दोनों में से एक में रहे। तो वैसे ही जीव जो है या तो भगवान की शरण में रहेगा या तो वो माया की शरण में रहेगा। तो ऐसे भक्त जो है तुरंत फिर माया अपना जो है वर्चस्व उस पर जमाती है और उसको फिर अपने कब्जे में लेके फिर वो अपने तरह से उसको नचाती है फिर वो। तो ये है, और फिर कहते हैं इसीलिए जो है प्रभुपाद जी कहते हैं एक इल्यूजन बाय द एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ विष्णु रिमेन अगेन टू बी सब्जेक्टेड टू द लॉस ऑफ मटेरियल नेचर क्रिएशन डिस्ट्रक्शन। और इसीलिए जो है जो ऐसे जो जीव हैं फिर वो 84 लाख की योनि में फंस जाते हैं, फिर सृष्टि की रचना होती है, फिर आते हैं, फिर वो 84 लाख में घूमते 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 सतयुग से कलयुग के एंड तक जाते हैं, फिर नाश होता है, तो उनका वो चक्कर कभी खत्म नहीं होता उनका। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं इन द भगवद गीता इट इज सेड दैट बिगिनिंग फ्रॉम टॉप मोस्ट प्लैनेट ऑफ दिस यूनिवर्स, मतलब ऊपर का जो सबसे टॉप मोस्ट प्लैनेट है ब्रह्म लोक से लेकर नीचे पाताल लोक तक, जन लोक महर लोक तप लोक सत्य लोक, नीचे के तलातल रसातल अतला वितला सुतला पाताल, नीचे सारा जो है वो डिस्ट्रक्शन होने वाला। कोई ये सोच जैसे कुछ लोग इंडिया में सोचते हैं यार इधर तो कितना प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये कानून सही नहीं, कितना करप्शन, मैं अमेरिका चले जाता हूँ या मैं कनाडा चले जाता हूँ, या तो उससे थोड़ा सा ज्यादा बुद्धि वाला होगा तो वो फिर जैसे साइंटिस्ट लोग हैं, साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, ये तो जगह सही नहीं, कभी ना कभी इधर ऑक्सीजन खत्म होने वाला है, सारा एनवायरनमेंट नष्ट होने वाला है, तो हम लोग मून पे चले जाते हैं, ये मून सारा मून का जो सर इनका जो ये चल रहा है जाने का प्रयास, इसीलिए कि वो खोजे वहां पे ऐसा क्या चीज है कि हम लोग वहां पे रह सके, उनका सारा प्लानिंग इसीलिए, और मून से अभी तो वो मार्स तक पहुंच गए। तो और इससे भी जो और ज्यादा बुद्धि वाले फिर वो सोचते हैं यहाँ पे बहुत परेशानी, हम लोग स्वर्ग लोग चले जाते हैं, लेकिन चाहे स्वर्ग लोग चले जाओ या टॉप मोस्ट ब्रह्म लोग जाते हैं, खाली जो परेशानी थोड़ा कम हो जाएगी, द लेवल ऑफ डिस्ट्रेस जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन ब्रह्मा जी भी जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि में हमेशा रहते हैं, उसके परे नहीं है वो, यहाँ पे थोड़ा कम होता है लेकिन दे हैव टू फेस दिस। तो अब सबसे सही तरीका क्या है कि हमको प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के पास जाना होगा, हम लोग अमेरिका जाके कनाडा जाके या मून पे या मार्स पे या स्वर्ग लोक पे जाके हम लोग हमारा हल नहीं होगा, अगेन वी आर गोइंग टू फॉल डाउन, अगेन वी आर गोइंग टू गेट इन दिस सर्कल। तो इसमें से हम लोगों को निकलना है, हम लोगों को वो कैसे निकल सकते, एक ही तरीका है भगवान का भक्ति करके, वो करना चाहिए, और वो करेंगे तो भगवान के धाम चले जाएंगे हम लोग, और भगवान के धाम चले जाएंगे तुमको पता है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमामनो, वहां पे एक बार चले गए तो वापिस नहीं आएंगे, और वहां पे कोई कुंठा भी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई वहां पे परेशान नहीं करेगा, वहां पे सिर्फ एक ही चीज चलता है, मतलब भगवान का सेवा, बस सभी लोग उसी में रहते हैं। तो ये प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में कह रहे हैं कि किसी भी लोक में चले जाओ देयर इज नो यूज, सो बेस्ट इज टू टेक द अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस ह्यूमन लाइफ एंड वी हैव टू गो बैक होम बैक टू गॉड। यहाँ पे तो ये कहते हैं, फिर कहते हैं the conditioned souls being unaware of this very simple fact because of forgetting the relationship with the Lord of Vaikuntha try to plan out a permanent life in this material world. तो वो भगवान से नाता भूल चुके हैं अपना, और इसीलिए इस चक्कर में पड़ते हैं वो। और फिर आगे कहते हैं being illusioned by the external energy they thus become engaged in various type of economic and religious development forgetting that they are meant for going back home back to God. और कहते हैं this forgetfulness, ये जो जो इनका ऊपर जो माया का प्रभाव है
जिसके कारण वो भूल गए हैं, वो इतना स्ट्रांग है कि वो वापस जाना ही नहीं चाहते, दे वांट टू स्टे हियर। वो बोलते हैं नहीं, हमको वापस जाना ही नहीं, क्या करेंगे हम जाकर। इससे बहुत से लोगों को भक्ति भगवान का भक्ति करना चाहिए, बोले क्यों करना चाहिए, बोले कि आप जो है वापस जो है ये सब दुख झेलना नहीं पड़ेगा तुम्हें, नरक लोग नहीं। अरे जाएंगे तो जाएंगे, क्या होगा उसमें, सभी लोग जा रहे हैं तो हम भी चले जाएंगे। बट दे आर सो डल, इतना इतना बुद्धि उनका मंद हो गया है, दे आर नॉट बॉदर्ड। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये इतना फॉरगेटफुलनेस क्यों हो गया है, व्हाट इज द रीजन, क्योंकि जैसे इसमें कहा गया वो जो श्लोक है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे पाशे ते माया तारे झपटिया दरे। तो जो जीव है वो इतना इंद्र तृप्ति में लगा कि भगवान से विमुख हो गया, और भगवान से विमुख होने के कारण वो जैसे ये एग्जांपल देख रहे थे लाइट वाला, वो अगर लाइट में नहीं रहना चाहता तो वो अंधकार में रहे, और इसके लिए वो फॉरगेटफुलनेस में पढ़ के वो भगवत धाम जाना ही नहीं चाहता, और वो वहां पे ही अपना जो है सब कुछ सर्वस्व समझ के वो उसको उस भौतिक जगत एक कार्य करते रहता है। और हम लोग देखते हैं कि जैसे वो 15वें अध्याय का 15वां श्लोक है, मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मैं स्मृति देता हूँ, मैं ज्ञान देता हूँ, और अपोहनम भूलना जो है, जो फॉरगेटफुलनेस, वो भी मैं ही देखा। तो ऐसा जीव जो भगवान को देखना ही नहीं चाहता, तो ऐसा वो फॉरगेटफुलनेस भी भगवान को भूलने का वही दे रहा है, चलो ठीक है तुम मुझे याद नहीं करना चाहते तो मत करो, ठीक तुम इस माया को तुम भोगना चाहते हो तो ठीक है, एक्चुअली उनका इच्छा नहीं। जैसे हम लोग हमेशा देखते हैं एग्जाम्पल, जस्ट टू कंपेयर, जैसे देवी देवता हैं जितने भी, उनके वो लोग उनके पास जब जाते हैं जो बद्ध जीव, तो वो तुरंत उनको बिना सोचे समझे दे देते हैं, क्या चाहिए, ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, ले ले बंगला चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए, ले 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 जाए, सब परेशान मत। तो फिर भगवान हमको क्यों फॉरगेटफुलनेस में डाल रहे हैं, तो ये चीज हम लोग को समझना है। कोई ये भी पूछ सकता है कि अरे मतलब देवी देवता भी ये कर रहे, भगवान भी ये कर रहे हैं, हम लोग का इच्छा है तो हमको डांटते क्यों नहीं, मारते क्यों नहीं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं कि भगवान इज ए पर्सन, वो जबरदस्ती नहीं करना चाहते हम लोगों के साथ, और वो चाहते हैं कि हम स्वइच्छा से हम उनके पास जाएं। तो जब वो हम लोग हमेशा उदाहरण देखते हैं बच्चे का, बच्चा जब बहुत ही एकदम मस्तीखोर होता है, एडमेंट होता है, नहीं नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, तो माँ बाप फाइनली परेशान होते, चलो ठीक है ये जाना चाहते हैं, उनका इच्छा नहीं होता ये जाए, उनके आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन बच्चा जब बोलता है कि मुझे मेरी शादी होगी आपके साथ नहीं रहना, तो ठीक है, तो दे डोंट वांट बट स्टिल दे गिव हिम परमिशन, बट ठीक है चल तू खुश रह करके। सो फाइनली आउट ऑफ है ना क्या बोलते हैं वो, उसको परमिशन दे। तो भगवान वैसे ही, भगवान भी नहीं चाहते, वो इसीलिए बीच बीच में अगर हम लोग कुछ ऐसा कार्य करते हैं, माया में पड़ते हैं, तो बीच बीच में हमारे इंट्यूशन देते रहते हैं ये गलत है ये मत करो, बट वी कीप इग्नोरिंग, नहीं नहीं मुझे यही करना है, ये यही करना है, ठीक है। एंड फाइनली जब हम लोग जो है उसमें बुरी तरह जकड़ जाते हैं, तो भगवान डजंट वॉन्ट, तो नहीं चाहते हम लोग इस कंडीशन में रहें, एंड ही इज ऑल्सो पर्सन, ही फील्स वेरी बैड। और ये हम लोग जो बृहद भागवतामृतम में जो गोप कुमार का जो मिलाप है भगवान से, जो मिलता है वो भगवान बोलते हैं उनको, मैं क्या नहीं किया तुम्हारे लिए। और पहले आते हैं तो पहले तो उससे गले मिलते हैं कि ये आ गया, मैं कितने जन्मों से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ मैं। और उसमें बहुत अच्छा एक डायलॉग है उनका, वो कहते हैं कि मेरे ही बनाए हुए जो रूल्स हैं, मैं ये सोच रहा था कैसे इसको तोड़ के तुमको मेरे पास लेके आऊँ, क्योंकि मेरे बनाए रूल है तो इसको तो उसका उल्लंघन नहीं कर सकते, लेकिन समहाउ आई वाज प्लानिंग। और इसीलिए वो जो है वो खुद भगवान बोलते हैं, मैं खुद तुम्हारा गुरु जयंत बन के तुम्हारे पास आया, तुमको गुरु दीक्षा दिया और फिर तुम्हारा जर्नी स्टार्ट करो। तो भगवान सो ईगर, भगवान हमेशा ये नहीं चाहते कि मैं इसको छोड़ूं, लेकिन हमारा मूर्खता है, मुझे भगवान के साथ नहीं रहना हमको, तो व्हेन वी आर एडमेंट एंड बिकॉज ऑफ दैट लॉर्ड इज अलाउिंग अस
गिविंग परमिशन, चल ठीक है तू नहीं रहना चाहता तो ठीक है जा। तो ये इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं। और फिर कहते हैं जो जिसे मनु के बारे में कहा गया, तो मनु जो है उनका जो अवतार है उनका भी एक कार्य है। वो जब आते हैं मनु तो सारा जो जो नियम है लॉ बुक वो उसकी स्थापना कर देते हैं कि भाई ये करना है ये नहीं करना है, ये करना है ये नहीं करना है, एंड दैट वी हैव टू फॉलो। जैसे हम देखे कि जेल में भी जो होता है मतलब कितना कानून होता है, सुबह इतने बजे उठना ही है भले कितना भी आलसी हो, उनका जो टाइम है तो उसको उठना है तो उठना है, और भले वो कितना भी तमोगुणी हो रात को 2 बजे तक जागता हो, बोल देगा सोना है तो सोना है, तो डंडा लेके आ जाएगा। तो देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये करना है ये नहीं करना। तो ये जो नियम है बाहर के लोगों के लिए लागू नहीं है जो बाहर रह रहे हैं सिटी में, ये सिर्फ उनके लिए। तो वैसे ही जो वैकुंठ में है उनके लिए कोई ऐसा कानून नहीं है कि ये मत करो, क्योंकि उनको पता है कि उनका मेंटेलिटी ऐसा नहीं है, मतलब उनको छोड़ भी दिया खुले में तो दे आर गोइंग टू बी लिविंग अ हैप्पी लाइफ एंड दे विल बी एक कोहेरेंस में जो है सब साथ में रहेंगे। लेकिन ये जो क्रिमिनल है ये नहीं रहता, इसके लिए उसको सुधारने के लिए उसके यहाँ पर। तो वैसे ही हम लोग भी जो इस भौतिक जगत में आए इसीलिए आए हैं, हमारा मेंटेलिटी वैसा नहीं है कि हम वहाँ पे रहे, इसके लिए हम लोग यहाँ पे भेजते हैं। और हमारी जो जेलर है दुर्गा वो मार मार के हम लोग को मेंटेलिटी सही कर रही है हमारा, और इसीलिए ये सारे जो नियम हैं। फिर भी कितने नियम हैं हम उसका पालन नहीं करते, नहीं मैं ये नहीं करूँगा, मैं मांस खाऊंगा, मैं शराब पीऊँगा, अवैध संबंध कर रखूंगा मैं, तो देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। लेकिन जो एक जो अच्छे मतलब एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी बनना चाहता है, डिवोटी तो दूर की बात है बाद में की बात, लेकिन जो अच्छा एक ह्यूमन बीइंग भी बनना चाहता है उसको पहले ये सब नियमों का पालन करना पड़ेगा, एंड देन व्हेन ही बिकम्स अ गुड ह्यूमन बीइंग फिर वो थोड़ा सा जो है एकदम तमोगुणी से थोड़ा सा जरा ऊपर आ जाएगा, फिर उसको समझ में आएगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो दैट इज द पर्पस, जो जो मनु जो जितने सारे जो नियम देते हैं उसका कारण वही है, वी हैव टू फॉलो देम। और वो जब फॉलो करेंगे हम लोग तो वो हमारे उसमें अपना फायदा है, और हम लोग जो है इस धीरे धीरे भक्ति की तरफ हम लोग बढ़ पाएंगे। हम लोग फिर जी और एक पॉइंट कहते हैं, हम लोग जब रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करते हैं, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो भगवान भी हमको अपना संरक्षण देते हैं, अपना कृपा देते हैं। व्हेन सच रेगुलेटिव पाथ इज एक्सेप्टेड लॉर्ड गिव्स ऑल प्रोटेक्शन टू हिज डिवोटीज बाय हिज कॉजलेस मर्सी। और वाइल नॉन डिवोटीज, भक्त है वो तो पालन कर, लेकिन जो अभक्त है तो जब नहीं पालन करता मैं यही करूंगा जो एडमेंट रहता है, तो फिर वो और फिर माया में उलझता जाता है और वो फिर नीचे की तरफ जाता है। और फिर ये इस चीज को जो ये जो उनके जो नियम है उसको श्लोक में सद्धर्म कहा गया है, और इसको हमको पालन करना चाहिए ये कह रहे हैं। और फिर प्रभुपाद जी और एक पॉइंट कहते हैं, इसके लिए हम प्रभु भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि हमको जो है सारे जो फॉल्स धर्म है हमारे जो जो भी हैं उनको छोड़ के हमको सिर्फ भगवान का शरण लेना चाहिए, सर्वधर्मान परित्यज मां में कम शरण ले। और वो जब करेंगे भगवान की शरण में जाएंगे तो हम फिर भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो ये जो है उद्देश्य हम लोग को समझना चाहिए। एक तो मनो जो जो भी नियम देते हैं वो हमारे लिए हमारे फायदे के लिए है, दूसरा ये कि हम उसका पालन करते हुए हम लोग शांति का जीवन जिए, हम लोग भगवान की सत्ता को माने हम लोग, और ऐसा करके शांति का जीवन जिए, और हम अपना जीवन जो धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ा है हम लोग। तो इसी संदेश के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ, और किसी का कुछ पॉइंट हो किसी को कुछ ऐड करना हो तो वो लेते हैं हम लोग। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा उद्धव पृष्ठ प्रभु जी।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा जितनी भी पॉइंट्स थी जो मतलब कहते हैं ना कि एक सिंपल सी बात है मगर हम लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, हम लोग उसको समझने का प्रयास ही नहीं करते क्योंकि हम जो है प्रभाव के अंदर है माया के। जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बताया इसके ऊपर एक मतलब हमारे जो उसी संदर्भ के अंदर है कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, उसने जो ये होते हैं अपने कैटरपिलर्स होते हैं जिसको कमला कहते हैं इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर कमला कहते हैं, इंग्लिश में कैटरपिलर्स कहते हैं, तो उनका खाना क्या होता है, उनका खाना होता है मलबरी लीव्स, जो एक मलबरी करके ट्रीज है उसके जो लीव्स होते हैं वो खाते हैं और उसकी जो स्टिक्स है पाइन स्टिक्स है वो खाते हैं, वो उनका खाना है। तो उसने क्या किया, उसने वो जो पाइन स्टिक्स है एक बॉटल के अंदर सेंटर में डाल दी और बॉटल की दीवार जो दीवार होती है अंदर से उसके ऊपर उसने कैटरपिलर्स छोड़ दिए और वो कैटरपिलर्स जो है उनका एक जो स्वभाव होता है जैसे चींटियों का स्वभाव होता है कि एक चींटी होती है उसको दूसरी सब चींटियां फॉलो करती हैं, तो ठीक इसी तरह इसके अंदर कैटरपिलर्स के अंदर भी होता है, एक कैटरपिलर चलेगा तो उसके पीछे जितने भी कैटरपिलर है उसके पीछे पीछे चलते रहेंगे। तो वो थोड़े समय के बाद में मतलब जब भी उसने बॉटल को उसने ऐसा इसका एटमॉस्फेयर ऐसा रखा कि वो अंदर जी सकते हैं, तो कैटरपिलर्स पूरी जो है ना एक दूसरे को फॉलो करते करते भूख से वो मर गए, जबकि सेंटर के अंदर जो है पाइन लीव्स और कैट जो है मलबरी लीव्स सेंटर के अंदर पड़े हुए थे बॉटल के। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान को पहुंचने के लिए इतना सिंपल और सरल उपाय है कि हमको डायरेक्टली भगवान के पास जाना है जो बीच में पड़ा हुआ है, मगर हम गोल 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 जो है ना 84 लाख के चक्कर में घूमते रहते हैं। हरे कृष्ण वंडरफुल वंडरफुल या वेरी नाइसली कनेक्टेड टू ये एग्जांपल के साथ में कि कैसे हम लोग भी उस कैटरपिलर की तरह ही है, सब कुछ सामने है लेकिन हम लोग उसको भूल के हम लोग भोग वांछा में लगे। थैंक यू वेरी नाइसली कनेक्टेड। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके तो हम लोग नरसिंह आरती लेते हैं। हम लोग हरे कृष्ण भागवतम की जय श्री कृपात की जय।